पहले तो रेलवे ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नया प्रोजेक्ट अपना मालगाड़ी के लिए फ्रेट कॉरिडोर अपना नया सेटअप किया है। 2006 से ये काम चल रहा है इस पे, उसका काम अब चलते चलते 10 साल हो गए हैं और यहाँ पे काम किया, प्रोग्रेस देख रहे हैं कि ये प्रोग्रेस ऐसे बढ़ रही है। अभी आने वाले टाइम में हमने क्या है, यहाँ पे 14 स्टेशन बनेंगे, ये लुधियाना से लेके पिलखनी तक, और ये टोटल लुधियाना से कलकत्ता तक बन रहा है। वो जो 1856 किलोमीटर का है, वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस है, इसको जो सहायता है वो वर्ल्ड बैंक दे रहा है। और यहाँ पे 14 स्टेशन में से पंजाब में 2 स्टेशन, एक तो न्यू खन्ना आपका और एक न्यू चावापाल, वहाँ पे स्टेशन बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है जो अगले 2 सालों में पूरा हो जाएगा। टोटल कितने स्टेशन है पंजाब के? पंजाब के अंदर आपके 7 स्टेशन है। अच्छा, ये फ्रेट कॉरिडोर बनने का फायदा क्या होगा? लोग फ्रेट कॉरिडोर बनने का सबसे मेन फायदा ये होगा कि लोगों को जो आज एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हमें टिकट नहीं मिल पाता है, कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है, गाड़ियों का समय से गाड़ी डिले चलती हैं, लेट चलती हैं। जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा तो फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद गाड़ियां टाइम से चल पाएंगी और रेल में और गाड़ियां पैसेंजर गाड़ियां भी चल पाएंगी। जब नई गाड़ियां चलेंगी तो लोगों को कंफर्म टिकट भी मिलेगा और टिकट मिलने से उनको भी सुविधा होगी। इसी के साथ साथ क्या होगा, जैसे ही ये फ्रेट कॉरिडोर पूरा होगा हमारे देश की GDP में ये 2% का इंक्रीमेंट कंट्रीब्यूशन करेगा। ये दूसरा, हमारे देश ने एक पेरिस क्लाइमेट आपने सुना होगा, उसमें कहा है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट बना रहे हैं ताकि ये कार्बन एमिशन को भी कम करेगा। यहाँ पे कोई डीजल इंजन नहीं रहेंगे, अब पूरे इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, बिजली के ही इंजन चलेंगे और सारा जो काम होगा वो बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा आने वाले टाइम में। वो भी हमारे देश के पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है सरकार ने जो उठाया है, और इसी के साथ ये सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। खुद प्रधानमंत्री रोज डे टू डे इसकी रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं और इस पर अभी हाल ही में क्या है, हमारा एक सेक्शन शुरू भी हो रहा है अटेली से लेके फुलेरा तक, जो 200 किलोमीटर का सेक्शन है, 15 अगस्त पर उसको माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा की है कि 15 अगस्त पर उसका उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पे जो ये लुधियाना वाला सेक्शन है ये 2020 तक कंप्लीट होने के उम्मीद है, काम समय से चल रहा है, थोड़ा समय से आगे ही चल रहा है और ये 2020 तक कंप्लीट होगा। और यहाँ पर गाड़ी और फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा तो ये होगा कि जितने मालगाड़ियाँ जो अभी चल रही है काफ़ी संख्या है, तो उसका अपने मालगाड़ियाँ का जो ट्रैक है वो अलग हो जाएगा, तो जो बाकी पैसेंजर ट्रेनों और मेल ट्रेनों का थोड़ा सा संख्या बढ़ जाएगी और उनको चलने के टाइमिंग में सुधार हो सकता है। यात्रियों को क्या सुविधा रहेगी जो आजकल लोड बहुत है ट्रेनों पे? ट्रेनों पे जो ये वैसे तो देखिए ट्रेनों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो अगर अपने आप है कि मालगाड़ियों की संख्या जो अभी स्ट्राइक पे चल रही है, तो अगर फ्रेट कॉरिडोर बनने से फायदा ही होगा कि पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियों के लिए, पैसेंजर ट्रेन और मेल ट्रेनों के लिए प्रॉपर वे मिल जाने से यात्रियों के लिए जो गाड़ियाँ लेट अगर होती भी है तो उनकी संभावना कम रहेगी। सरकार वालों रेलवे का जो न्यू कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि बहुत ही गवर्नमेंट का बहुत ही शलांघा जो कदम है, जिहड़ा कि माल गड्डियां का एक अलग ट्रैक बन जा रहा है, जो कि व्यापारी वर्ग वास्ते बहुत ही खुशी की गल है और व्यापारी वर्ग है जिहड़ा इस दे नाल होर भी ज़्यादा तरक्की करूँगा, क्योंकि जिहड़ा माल बहुत देर बाद पर 2 या 3 दिन लग जाते सी उन्हूं आउण नूं बाहरों, वो हुण 12 या 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाया करूँगा, और जिदे नाल जिहड़ा व्यापारी वर्ग आ वो जिथे खुशहाल होगा वह कारोबार भी वधूगा, उसकी इनकम के भी वाधा होगा। और मैं समझना भी ये बहुत ही साढ़े शहर फतेहगढ़ साहब सरहंद वास्ते जिने भी नाल इलाके ने खन्ना पटियाला और ये सारे जिहड़ा व्यापार आ बहुत ज़्यादा यदि व्यापार की ग्रोथ बहुत वधूगी, जिदे नाल व्यापारी वर्ग जिथे खुशहाल होगा उत्थे देश की तरक्की तो शहरों की तरक्की भी होगी। मैं इस गल की अपने माण महसूस करता भी ये बहुत ही चंगी गल है।